आखिर कैसे किया चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला? चीनी लेजर से क्यों किया गया ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट पर वार? आखिर कितना नुकसान हो सकता था ऑस्ट्रेलिया को चीन के इस अटैक से? क्यों करने लगा है चीन ऑस्ट्रेलिया पर अटैक? क्या होगा अब क्वाड कंट्रीज का एक्शन? आखिर कितना खतरनाक था चाइना का यह लेजर अटैक जो किया गया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर? क्या भारत के पास मौजूद है कोई खतरनाक लेजर? आखिर क्यों समझने लगा है चीन अब खुद को सबका बाप? क्या विश्व में मौजूद है कोई ऐसा देश जो कर पाएगा चीन का मुकाबला? क्या हो सकता है चीन के लेजर अटैक से ऑस्ट्रेलिया के पायलट को खतरा? कब होगा आखिर ड्रैगन की इस घटिया चालों का? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए चीन द्वारा किए गए उस अटैक को जो कि कई सोल्जर्स को एक साथ खत्म करने के मकसद से किया गया था, इस अटैक का जो मकसद था उसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के अलावा चीन की नज़र इस समय दुनिया के और भी कई देशों पर बनी हुई है। इन्हीं देशों में से एक देश है ऑस्ट्रेलिया। इस समय जहां चीन भारत के विरोध में अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं अब उसने भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से भी छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। चीन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक लेजर अटैक किया था जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना व उसके एयरक्राफ्ट को क्रैश करना था। जिस तरीके से चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों के बंदरगाह व कई जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अपनी मिलिट्री को तैनात करके रखा हुआ है जिससे कि वह कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सके। ठीक इसी तरह से अब ड्रैगन ने ऑस्ट्रेलिया की सीमा से कुछ दूरी स्थित टापुओं के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया है और वहां पर अपने कई सैनिकों के साथ अपने हथियारों को भी तैनात कर चुका है जिसका इस्तेमाल अब वह ऑस्ट्रेलिया के विरोध में कर रहा है। चीन ने अपने बिल्लों को अब ऑस्ट्रेलिया के विरोध में लगा दिया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरहद पर घूम रहे एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी भयंकर हमला किया है। चीन ने जो हमला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किया है उससे इस समय ऑस्ट्रेलिया की पूरी सुरक्षा नीति एक्शन में आ गई है। चीन के ड्रैगन की इस हरकत से हो सकता है कि एक बड़ा धमाका हो। वैसे दुनिया के सामने चीन की यह हरकत नहीं आती अगर पायलट ने इस बात का खुलासा नहीं किया होता। इस समय चीन ने ऑस्ट्रेलिया के उस एयरक्राफ्ट पर हमला किया है जो कि अपनी ही देश की सीमाओं में उड़ाया जा रहा था। जिस समय यह एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा था तभी चीन की एक शिप ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में तैनात होकर ऑस्ट्रेलिया के उस एयरक्राफ्ट पर लेजर अटैक कर दिया। यह एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स की तरफ से उड़ाया गया था जिसका चीन से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन चीन को तो ऑस्ट्रेलिया के उस एयरक्राफ्ट से बेहद दिक्कत हो रही थी। यही वजह थी कि वह तुरंत अपने शिप को लेकर उस एयरक्राफ्ट पर हमला करने के लिए पहुंच गया। चीन ने अपने जिस लेजर से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला किया है वह कोई मामूली लेजर नहीं था बल्कि यह लेजर इतना खतरनाक था कि इससे ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट को बुरी तरीके से क्रैश किया जा सकता था। चीन के इस अटैक से ऑस्ट्रेलिया के 10 सोल्जर की जान जा सकती थी। जिस लेजर से चीन ने अटैक किया था वह कोई मामूली लेजर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि यह लेजर बेहद घातक था जिसे कि डेजलर के नाम से जाना जाता है। चीन ने इस समय लेजर अटैक करने के क्षेत्र में बेहद तरक्की कर ली है। इस समय चीन की तीनों सेनाओं के पास लेजर का उपयोग करने की क्षमता है। चीन अपने दुश्मन के ऊपर जल, नभ, पृथ्वी तीनों से ही वार कर सकती है। अगर यह अटैक सफल हो जाता तो इससे पायलट अंधा तक हो सकता था। चीन ने अपने जिस लेजर से एयरक्राफ्ट पर अटैक किया है वह निशाने पर नहीं लग सका। चीन का निशाना चूक जाने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अगर यह लेजर ठीक उसी जगह पर जाकर लगता जहाँ पर की चीन इसे मारना चाहता है तो इससे पूरा एयरक्राफ्ट बुरी तरीके से क्रैश हो सकता था और इतना ही नहीं बल्कि इससे सोल्जर को तो नुकसान होता ही, साथ ही इस अटैक से पायलट की जिंदगी भर के लिए आंखें चली जाती। अगर देखा जाए तो इस समय भारत के पास कोई भी लेजर नहीं है जिससे कि वह अपने दुश्मनों पर हमला कर सके। पिछले साल ही भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेजर सप्लाई करने के लिए कहा था जो कि इंडियन नेवी को दी जानी है। पिछले ही साल 2021 में भारत की रक्षा और एयरोस्पेस फर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय नौसेना के लिए विकिरण डेजलर के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की आपूर्ति करने का अनुबंध दिया गया था जिसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से शुरुआत में 20 लेजर डेजलर की आपूर्ति की जानी है जिसे पुणे में तैयार किया जाना है। वैसे भारत जबरन किसी भी देश के ऊपर अटैक करने के लिए सेना में लेजर की आपूर्ति नहीं कर रहा है बल्कि भारत का उद्देश्य दुश्मन के संदिग्ध वाहनों, विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों को देश के सुरक्षित क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए
भारत लेजर डेजलर का उपयोग कर रहा है। वैसे ये पहली बार होगा जब भारत की सेना में लेजर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले अभी तक भारत की सेना में कभी भी लेजर का उपयोग नहीं किया गया है। इस समय अमेरिका के पास भी डेजलर लेजर मौजूद है। आज चीन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक उसी तरह से चीन ने एक बार पहले अमेरिका के ऊपर भी लेजर अटैक किया था। 2018 में चीन की तरफ से यूएसए के एक प्लेन पर लेजर अटैक किया गया था, जिसके बारे में अमेरिका ने खुलकर मीडिया के सामने यह बात की थी कि इस लेजर अटैक के जरिए चीन ने अमेरिका के ऊपर जो अटैक किया है वह एक युद्ध के मकसद से किया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका की सेना को नुकसान पहुंचाना था। इसका उद्देश्य बस यही था कि अमेरिका के पायलट के ऊपर लेजर अटैक करके उसकी आंखों को प्रभावित किया जा सके और वह पायलट सही से प्लेन ना उड़ा सके और यह प्लेन क्रैश हो जाए। इस बात को स्पष्ट करते हुए अमेरिका ने यह बात भी कही थी कि अगर चीन का यह लेजर हमला यूएसए का प्लेन क्रैश करने में सफल हो जाता तो अमेरिका इसे एक युद्ध के रूप में स्वीकार करके चीन पर हमला कर सकता था। वही हमला जो 2018 में चीन ने अमेरिका के ऊपर किया था, ठीक वैसा ही एक हमला इस साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कर दिया है। चीन बस दुनिया को दिखाना चाहता है कि सिर्फ एक वही ऐसा देश है जो कि किसी भी देश के ऊपर कभी भी हमला करके उसे खत्म कर सकता है। और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस लेजर अटैक से पहले चीन ने एक बार ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं के अंदर घुसने की पहले भी कोशिश की है। चीन ने अपने विमानों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं में जाने का भी षड्यंत्र रचा था, जिसमें कि चीन सफल नहीं हो पाया। लेकिन चीन की तरफ से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला करने से यह तो साफ हो गया है कि चीन फिर से दोबारा इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। और हो सकता है कि चीन ने पहले भी कई बार कई लेजर अटैक को किया हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी प्रॉपर जानकारी हर बार मिल पाए। वो तो इस एयरक्राफ्ट के पायलट की वजह से यह पता चल पाया कि ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट पर चीन ने अपने लेजर से हमला किया था। और अब इस समय ऑस्ट्रेलिया चीन का विरोध करने के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन भी तैयार करवा रहा है, जो कि यूके और यूएसए के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया जा रहा है। चीन ने इस समय ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए की नाक में दम करके रखा हुआ है। बहुत जरूरी है कि यह तीनों देश मिलकर चीन के ड्रैगन को कोई करारा जवाब दे सके, जिससे कि वह अपनी इन घटिया हरकतों से बाज आ जाए। चीन का ड्रैगन खुद को इस समय जितना बहादुर बता रहा है, उसे याद दिलाना बेहद जरूरी है कि वह सिवाय भौंकने वाले कुत्ते और छिपकर वार करने वाले गीदड़ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर भारत और यूएसए सहित ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? अपने जवाब में हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।